एक तरफ जहां अंकुश और बड़का मिलकर अनुपमा और अनुज के सामने नाटक करते हैं, उन दोनों को अपनी गलती का एहसास है और वो दोनों आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वेल, जहां अनुज अंकुश और बड़का से साफ साफ कह देता है अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है फिर उन्हें अनुपमा और वनराज से घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगना होगा। खैर, आने वाले एपिसोड में जहां बड़का इसके लिए राजी नहीं होगी, लेकिन बरखा को जल्दी समझ में आ जाएगा बरखा और अंकुश ऐसा नहीं करते हैं। फिर अनुज उन्हें घर से निकाल देगा जिसके बाद उन्हें सड़क पर रहना पड़ेगा। खैर, अब जहां बरखा और अंकुश घुटनों के बल बैठकर अनुपमा से माफ़ी मांगेंगे, वैसे में अनुज भी उन्हें साफ साफ कह देगा अब उन्हें वनराज से भी माफ़ी मांगनी होगी और अगर वनराज उन्हें माफ़ कर देता है फिर वो दोनों इस घर में रह सकते हैं। वेल, जहां वनराज बरखा और अंकुश से साफ साफ कह देता है वनराज उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, वैसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आखिर अब बरखा और अंकुश क्या करने वाले हैं, क्योंकि वनराज के मना करने के बाद भी बरखा और अंकुश अब वनराज से माफ़ी मांगना चाहते हैं। खैर, आने वाले एपिसोड में जहाँ बरखा और अंकुश अनुपमा के घर में रहेंगे, वैसे में बरखा बार बार अनुपमा से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की प्लानिंग करने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।